नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों कमाल आर खान नाम ही कमाल है। कमाल की ट्वीट्स करते हैं, कमाल की बातें बोलते हैं। अभी हाल ही में क्या कल शायद कल या आज ही एक वीडियो उन्होंने जारी किया है और उसमें बोला फिल्म के बारे में उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा कि बोला फिल्म फ्लॉप होगी, सुपर फ्लॉप होगी, ये उनका कहना है। वैसे दोस्तों उनकी बातों को कोई ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है, इंटरेस्टिंग जरूर होती है उनकी बातें, देखने में मजा जरूर आता है। मैं भी देखता हूँ उनके वीडियोज, क्योंकि कई बार वो जो बोलने का अंदाज है और जिस प्रकार से वो बोलते हैं उसको तो सुनने में जरूर मजा आता है। उन्होंने बताया कि बोला फिल्म का जो ओवरऑल बजट है, लैंडिंग कॉस्ट है, वो 200 करोड़ रुपीज है, जबकि ऑफिशियली अभी बोला फिल्म का बजट निकल के सामने आ रहा है वो 100 करोड़ रुपीज ही है। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से बताया वो बता देता हूँ मैं आपको। 100 करोड़ तो वो वैसे बता रहे हैं कि 100 करोड़ बजट है और वे कह रहे हैं कि अजय देवगन फिल्म को काम करने के करीब 60 करोड़ रुपीज लेते हैं और 30 करोड़ रुपए उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया, तो 30 करोड़ टोटल मिला के हो गया 90 करोड़। 90 करोड़ रुपए उन्होंने अजय देवगन की फीस बता दी है, तो वन 90 करोड़ रुपीज। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि 10-20 करोड़ रुपए फिल्म की जो पब्लिशिंग पब्लिसिटी में, प्रिंट मीडिया में, प्रिंट करने में, पोस्टर वगैरह में, इनमें खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने 200 करोड़, 250 करोड़ के आसपास फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट बताई है। 200 करोड़ मान लीजिए आप, 200 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा, मुझे पूरा फिगर याद नहीं आ रहा है। अब उन्होंने कहा चूंकि अजय देवगन सर खुद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो फीस वो 90 करोड़ तो चार्ज करेंगे, नहीं तो वो 60 करोड़ रुपये चार्ज करेंगे, तो 160 करोड़ वो और 60 करोड़ ये, 160+30 करोड़ प्रिंटिंग, ऐसे करके उन्होंने 190 करोड़ 200 करोड़ के रुपए के आसपास बताई है फिल्म की बजट। और उन्होंने कहा पैसा भूषण कुमार का लगा हुआ है तो वो इंटरेस्ट भी शायद चार्ज करे या नहीं करे पैसों के ऊपर। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बोला फिल्म को हिट होने के लिए 250 करोड़ रुपए चाहिए, 250 करोड़ का अगर ये बजट कवर करती है तो ये फिल्म हिट मानी जाएगी, अदरवाइज फ्लॉप। अब केआरके का आकलन है कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करेगी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो म्यूजिक सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी राइट्स है वो करीब करीब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा बोला फिल्म को नहीं मिलने वाले है, जबकि मैंने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी करीब 200 करोड़ रुपीज में इसके जो जो ओटीटी राइट्स है, सैटेलाइट राइट है, म्यूजिक राइट्स है, थिएटिकल राइट्स है, वो बिके हैं और ये लगभग कन्फर्म न्यूज है। तो यहीं पे उनकी बातें बातें मतलब एक तरीके से गलत साबित हो जाती है, क्योंकि 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो इसकी ओटीटी डील हुई है, ऐसी खबरें आई है और लगभग ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात उन्होंने दूसरी ये कही कि कैथी की रीमेक है तो रीमेक फिल्म कोई देखता नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अजय देवगन की ये दृश्यम 2 चली थी तो बोला फिल्म ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, 150 करोड़ मैक्सिमम उन्होंने बताया कि 150 करोड़ तक जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों केआरके ने यह भी कहा है कि अजय देवगन ने जितनी भी फिल्मों को डायरेक्ट किया है वो सभी फ्लॉप हुई है, चाहे वो सिवाय हो, यूमी और हम हो, या दोस्तों रनवे 34 हो, सभी फिल्में फ्लॉप हुई है, तो ये फिल्म भी फ्लॉप होगी। अजय देवगन अपने फ्लॉप का रिकॉर्ड रखेंगे, तैयार रखेंगे, इस तरह की बातें केआरके ने कहा है। अब केआरके सर पता नहीं अजय देवगन सर से क्यों चिड़े हुए हैं, वैसे तो वो सभी बॉलीवुड के स्टार से चिड़े रहते हैं, किसी से उनको लगाव है नहीं। अब वो ये कह रहे हैं तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि उनको नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। पठान के पहले भी उन्होंने कहा था कि बहुत बुरी तरह पिटेगी और उन्होंने ये भी कहा था कि शाहरुख खान फ्लॉप एक्टर है, किसी भी हालत में हिट नहीं हो सकती, और बाद में तारीफों के पुल बांध दिए थे। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि 100 करोड़ की टिकट तो खुद YRF ने खरीदी है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा था। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक्चुअल बिजनेस पठान का 250 करोड़ रुपये ही है, और उन्होंने शाहरुख खान का भी कहा था कि सारे 90% सीन है वो बॉडी डबल का यूज करके किए गए हैं और शाहरुख खान के कोई भी सीन ऐसा नहीं है, इसलिए इस फिल्म के लिए अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाए तो शाहरुख खान के डबल को दिया जाना चाहिए, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो केआरके की बातों को ज़्यादा आप सीरियसली मत लीजिएगा। अजय देवगन के प्रशंसकों से मैं कहना चाहता हूँ निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केआरके कहते रहते हैं और बाद में जब फिल्म अच्छा कलेक्शन करती है, बिजनेस करती है, तो फिर वो अपनी बात से बदल भी जाते हैं और फिल्म की तारीफों के पुल भी बांधना शुरू कर देते हैं, तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बोला फिल्म 12-15 करोड़ रुपए की ओपनिंग पहले दिन लेने वाली है, उनका कहने का मतलब है कि 12-15 करोड़ ही आएगा। तो दोस्तों अजय देवगन के प्रशंसकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जी जान से जुटे रहो और बोला फिल्म को आपको ब्लॉकबस्टर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बुकिंग कराइए और इस प्रकार का कलेक्शन दीजिए कि ये अजय देवगन की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बने, तो तभी मतलब केआरके का जिस प्रकार से उन्होंने इसके प्रति नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है, वैसे वो सभी बॉलीवुड फिल्मों के प्रति ऐसे बोलते हैं, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, तो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है और आप अपना काम करिए। और जब बोला फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी और अच्छे इसको रिव्यूज मिलेंगे और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी तो केआरके सर अपने आप ही फिर अपना जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो चेंज करते रहते हैं लगातार अपनी बात पे रहते नहीं है वो। फिलहाल इतना ही, आप क्या सोचते हैं इन सबके बारे में बताइएगा और दोस्तों चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।